एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की नई वीडियो जो हम आपके सामने लेके आए हैं, जो कि हमारी है एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली आज की वीडियो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करेगी, जो कि हमारा 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। हम पढ़ेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीटली बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग से। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसका जो सेक्शन 2H है वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है फ्रेंड्स। जो सेक्शन 2H है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवाया जाए उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, बट एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट की भी कहीं डेफिनेशन दी गई है, क्या मीनिंग होगा एग्रीमेंट का। तो चलिए देख लेते हैं एग्रीमेंट होता क्या है। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी के अंदर एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन दी गई है, जो हमारा सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बताता है वो क्या कहता है, एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट कोई भी एक प्रॉमिस या एक सेट ऑफ प्रोमिस, बहुत से प्रोमिस या एक प्रोमिस कर दो या सेट ऑफ प्रोमिस कर दो, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन बना रहा है एक दूसरे के लिए, वो होता है हमारा एक एग्रीमेंट। इसमें को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी पेन परचेज कर रहे हैं, नोटबुक परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑफ़र देते हैं, या मतलब हम उससे मांगते हैं कि हमें नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, उसके बदले में वो हमें, हम उसको अमाउंट पे करते हैं और वो हमें क्या देता है, वो नोटबुक देता है। वो अमाउंट पे करना हमारी तरफ से वो कंसिडरेशन है, और उसका वो जो हमें पेन देना वो कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक प्रॉमिस किया ना कि भैया मैं आपको पैसे दूंगा आप मुझे पेन दे देना, ठीक है, ये होता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एक से ज़्यादा प्रॉमिस हो जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट हमें पता लग गया क्या होता है, जो कि 2E के अंदर बताया हुआ है। एग्रीमेंट पता लग गया तो कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो फुलफिल करने होते हैं। तो मैं आपको पहले एक ब्रीफ चार्ट बनाया है मैंने, मैं उस चार्ट से आपको बताऊंगा जो मतलब बेसिक एलिमेंट्स है एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए। अब बात होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया क्या होता है, जो 2H के अंदर बताया गया, एग्रीमेंट भी पढ़ लिया, अभी कह रहा है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले हम किसी भी बंदे को ऑफर करेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ ये एग्रीमेंट कर लिया, कोई भी, सपोज जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया, नोटबुक का एग्जांपल दिया, ऑफर होता है। अगर ऑफर कर लिया आपने किसी को, आपने ऑफर कर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद एक नई जो एसेंशियल एलिमेंट है वो आता है, वो होता है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एक मतलब हमारी इंटेंशन है दोनों पार्टीज़ की, एक लीगल ऑब्लिगेशन हम क्रिएट कर रहे हैं ऑफर करने के बाद और उसकी एक्सेप्टेंस के बाद, हम एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है कंसिडरेशन, जो हमने पहले पढ़ा। कंसिडरेशन क्या होता है, एक एग्रीमेंट को बनाने के लिए कंसिडरेशन चाहिए होता है। तो कंसिडरेशन हमारा थर्ड एसेंशियल इंग्रीडियंट्स है। फिर हमारा आता है पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्टीज होंगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंट हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में, ये मैंने सिर्फ एक चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, ब्रीफ चार्ट, आगे हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हमारी फ्री कंसेंट, कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए, कोई मतलब कंसेंट मतलब दबाव में ना दी गई हो, थ्रेट के अंदर ना कोई कंसेंट दी गई हो। उसके बाद आता है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए तो करेंगे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वो ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर हमारा था एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कोई ऐसा एग्रीमेंट ना करें हम जो कि पहले ही एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है हमारे एक्ट ने या किसी भी लॉ ने, कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल भी आगे हम पढ़ेंगे। फिर हमारा द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग एंड अनसर्टेन, जो एग्रीमेंट होगा आपका अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, सर्टेन एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर हमारा आता है एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा एग्रीमेंट हो जिसको परफॉर्म कर पाए दूसरी पार्टी, ये नहीं हम कुछ भी कह दें और वो परफॉर्म ना हो पाए। और फिर लास्ट हमारा था लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये हमारा एक ब्रीफ चार्ट है, आप इसको पढ़ लीजिए। ये हमारी जो कंडीशन आपके सामने है, फर्स्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, थर्ड कंसिडरेशन, फोर्थ पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ फ्री कंसेंट, सिक्स लॉफुल ऑब्जेक्ट, सेवन्थ हमारी एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एट्थ हमारी दी एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग एंड अनसर्टन, नाइन्थ हमारी एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, एंड लास्ट वन हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज। तो चलिए चलते हैं, हम इनको थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं आगे। अभी क्या कहता है, एन एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने 2H के अंदर, उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एक एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। अब ये वही बात कर रहा है कि एन एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस मेंशन इन सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड अदर सेक्शंस ऑफ द एक्ट आर सेटिस्फाइड। अब ये कह रहा है कि भैया कोई भी एक एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है, जब ये कंडीशंस जो सेक्शन 10 के अंदर दी गई है वो हम फुलफिल कर लेते हैं, या कोई भी अदर सेक्शंस के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस दी है उनको हम फुलफिल कर लेते हैं, तो वो जो एक एग्रीमेंट होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो एग्रीमेंट आपका एनफोर्सेबल बाई लॉ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हमारी क्या कंडीशन है। फर्स्ट हमारी कंडीशन जैसा कि हमने पढ़ा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक पार्टी ऑफर करेगी दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी किसी भी प्रोमिस को या सेट ऑफ प्रोमिसज को, तो वो हमारा एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा आता है इसके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एक इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। इसके अंदर क्या कहते हैं, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटेंडेड टू बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एक ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए जो कि लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करे। एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशंस। अब ये कह रहे हैं जो एग्रीमेंट्स होंगे सोशल और डोमेस्टिक्स के, वो हमारे लीगल रिलेशंस को कंटेम्पलेट नहीं करते। जैसे कि अब कोई भी एक दो फ्रेंड्स से एग्रीमेंट ऐसे ही बात कर लेते कि मैं तेरे को मूवी दिखा के लाऊंगा, तो वो उससे कोई मतलब एक इंटेंशन नहीं है हमारी एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की, मूवी दिखाना इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। और ठीक है आगे फिर क्या कहते हैं, ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। अब ये कह रहा है वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो लीगल ऑब्लिगेशन को राइज करते होंगे, जिनसे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता होगा। ऑल लीगल ऑब्लिगेशंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे लीगल ऑब्लिगेशंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बस वही लीगल ऑब्लिगेशंस हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। सिर्फ वो वाले लीगल ऑब्लिगेशंस डेट अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं जो एग्रीमेंट से निकलते हैं और वो एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स हमारा लीडिंग केस लो है बैफलर वर्सेस बैफलर का, ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी एक बार हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट हमारा देयर इज सम कंसिडरेशन फॉर इट दैट इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कंसिडरेशन बहुत जरूरी है, दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए। एक पार्टी अमाउंट दे रही तो दूसरी पार्टी कोई भी आपको उसके बदले में कुछ भी दे रही है, पेन दे रही, नोटबुक दे रही या कोई भी आपका काम कर रही है, वो होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट हमारा है दी पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि माइनर हो या डिसक्वालीफाइड बाई लॉ हो या अनड्यू आपका अनसाउंड माइंड बंदा हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बंदा कंपिटेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज आपकी इन माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर एलाइन एनएमई और कन्विक्ट्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे दुश्मनी देश के लोग हैं वो इनकम्पिटेंट है, या कोई भी कन्विक्ट्स है वो आर नॉट कम्पिटेंट, अनसाउंड माइंड का पर्सन भी कम्पिटेंट नहीं है आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी, नेक्स्ट जो है कंसेंट इज फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री कंसेंट होनी बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने के लिए हमें फ्री कंसेंट बहुत जरूरी है। अभी कहते हैं फ्री कंसेंट इज फ्री नॉट कॉज बाय कॉर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये फाइव जो हमारे हेडिंग्स है कॉर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, इनसे ना ली गई हो कोई भी कंसेंट आपकी
अगर इनसे ली गई है तो कंसेंट आपकी फ्री नहीं है, कंसेंट तो मान ली जाएगी बट फ्री कंसेंट चाहिए हमें। यहाँ पे सिर्फ कंसेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फ्री कंसेंट की बात हो रही है गाइस, ये याद रखना आप। फिर हमारा आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। जो भी हम एग्रीमेंट, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो लॉफुल होना चाहिए, और जो कंसिडरेशन वो भी लॉफुल होना चाहिए। अब ये कह रहा है नॉट फॉरबिडन बाई लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लॉ के द्वारा फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, ना ही पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड होना चाहिए, ना ही फ्रॉडुलेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली, का मतलब होता है मेंशन कर रखा है, बता रखा है कि ऐसे आप एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड है। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमारे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ मैरिज, अगर आप किसी की मैरिज को रोकने के लिए एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड है, या ट्रेड की रिगार्डिंग करते हो तो वो भी वॉइड है, और एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर वो भी वॉइड है आपका। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो कि लॉ ने ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। फिर हमारा आता है द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन होनी चाहिए टर्म ना, एक स्पेसिफाई होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, आपका बिल्कुल स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर हमारा कहता है एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एक ऐसा एग्रीमेंट जो मतलब कैपेबल हो परफॉर्मेंस के लिए, कोई यू नहीं कि मतलब जादू करके दिखा दिया, कोई एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि जो इम्पॉसिबल हो कर ही नहीं सकते। ये आपका सेक्शन 56 कहता है फ्रेंड्स, जो कहते हैं ना एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, वो सेक्शन 56 के अंदर बात बताई गई है हमारी। फिर आती है हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक है गाइज, ये हमारी थी जो एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसको एक बार दोबारा से ध्यान से पॉज करके भी देख लेना आप लोग वीडियोस। ये जो मैंने सारे के सारे ब्रीफ में और इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताए हैं यहाँ पे, ज़्यादा डीपली मैंने डिस्कस नहीं किया। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम सेक्शन के हिसाब से डिस्कस करेंगे, एक तो फ्री कंसेंट का कंसेप्ट करेंगे, अंडर इन्फ्लुएंस, कोर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब क्या होता है, ये सारा हम एक नई वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।